ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा ने हमारा अटेंशन ईश्वरीय पढ़ाई की ओर खिंचवाया। हमें अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है, और जब धारणा होती है तो हम दूसरों को भी लायक बना सकते हैं। जैसे मम्मा और बाबा ने सर्विस करी, उन समान हम भी सर्विसेबल बन सकते हैं। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। बाबा ने हम बच्चों को कभी हठ योग नहीं सिखलाया। बाबा ने कभी ये भी नहीं कहा कि अगर आपके पास साधन हैं तो उनका हम कदापि प्रयोग नहीं करें। साधन है वो सेवा के लिए हैं, लेकिन साधन हमारी साधना का आधार न बने। हमें साधनों को यूज़ करना है, फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, लेकिन अपनी साधना को कायम रखकर। अगर हम उल्टा कर देते हैं, साधनों से ही प्रभावित हो जाते हैं, या साधना अपनी साधनों के आधार पर बना लेते हैं, तो जब साधन ऊपर नीचे होते हैं तो हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है, स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि हम साधनों को याद कर रहे हैं, बाबा तो बीच से चला गया। तो जितना जितना हम साधना पर अटेंशन देते हैं, बाबा की याद पर अटेंशन देते हैं और फिर साधनों का प्रयोग करते हैं, तो हम उन्नति को पाएंगे। और एक ऐसी स्थिति जो कभी भी, जहाँ उमंग उत्साह कम नहीं होता, तो हमें आज ये अटेंशन देनी है कि भले हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे अपने मोबाइल का प्रयोग करते हों, चाहे अपने सुख सुविधा फैसिलिटीज जो भी हमारे साथ हैं, लेकिन बाबा बीच से भूले नहीं। ओम शांति। Thank you.